नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज के इस वीडियो में हम गुलशन भाई से प्याज की ताज़ा अपडेट लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि जो जयपुर में अगर प्याज की बात करें तो जयपुर में जो प्याज का माहौल है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का माहौल बन गया है। जो नया प्याज है, नए प्याज में लगभग 40 से 45 रुपये ऊपर में बिक रहा है और नीचे में 30 रुपये बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नया प्याज है उसमें तेज़ी का माहौल बन चुका है और जो पुराना प्याज है उसमें भी लगभग 38 रुपए के आसपास प्याज बिक रहा है। बाकी गुलशन भाई से ताज़ा अपडेट लेने वाले हैं, क्या बाज़ार देखने को मिला है, नासिक वाला क्या बिक रहा है। आप देख सकते हैं क्वालिटी नासिक वाले की। कैसे हो सर? हाँ यादव जी, बढ़िया है, आप सुनाए। बस बढ़िया सर। तो क्या बाजार खुला है सर प्याज में आज? प्याज की बाजार है भाई साहब, देखो जो नासिक के माल है वो तो बढ़िया माल है, 35 से 40 रुपए आज। अच्छा जी सर। हाँ 35 से 40 रुपए का बाजार हो गया है जी। 35 से 40 का बाजार हो गया। हाँ 40 हो गया, नया प्याज 45 रुपए भी बिक गए। 45 रुपए हो गया सर नया प्याज, क्या बात है सर। तो सर नए प्याज की कितनी गाड़ियां हैं? नए प्याज की भी है 4-5 गाड़ी है। 4-5 गाड़ियां है सर। कहाँ से आ रहा है सर ये नया प्याज? अब ये तो सब कर्नाटक आने लग गया प्याज। अच्छा जी। एक दो गाड़ी कोल्हापुर लाइन की है, बाकी कर्नाटक लाइन की है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आज कितनी आवक है सर टोटल? आवक है भाई साहब देखो, पुराना और नया मिला के 20 गाड़ी माल है, 20-22 गाड़ी। अच्छा जी। हाँ, और 40 साधन राजस्थान का लोकल माल, इसमें कुछ पिकअप है कुछ कैंटर है। तो सर नासिक वाला चोपड़ा क्या बिक रहा है ऊपर में? नासिक वाला चोपड़ा 25-26 रुपए है, बढ़िया। अच्छा जी। अच्छा, नासिक वाला चोपड़ा भी भाई साहब आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है, 30 रुपए बिक जाएगा एक दो दिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो नासिक वाला प्याज है ऊपर में क्या देख रहे हैं? नासिक वाला ऊपर में देखो 40 रुपए तो हो गया भाई साहब, बढ़िया प्याज। 40 रुपए हो गया? 40 तो बढ़िया हो गया, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है और 2-5 रुपए बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो एवरेज क्या भाव चल रहा है आज महाराष्ट्र की मंडियां? सुनने में आ रहा है कि वहीं पर ही बाजार 40-42 ऊपर में खुला हुआ है। बिल्कुल। वो माल आएंगे तो भाई साहब यहाँ तो बाजार तेज खुलेगा, तेज होगा सर। बिल्कुल सर। और सर जैसे अभी सरकारी माल भी आ रहा है? हाँ सरकारी माल काफी आ रहा है, हमारी मंडी में भी आई है 4-5 गाड़ी सर। नहीं ज्यादा है? हाँ है, ज्यादा है, उनमें कुछ व्यापारियों की भी है, एक ही दुकान पे आ रहा है वो माल। हाँ बाबूलाल जी के पास? हाँ, आ रहा है। हाँ, एक ही दुकान पे आ रहा है। तो सर वो क्या बिक रहा है? वो माल तो बहुत ही कम बिक रहा है, 30 रुपए से 35 रुपए किलो बीच में बिक रहा है आज माल। तो सर वो भाव कंट्रोल कर रहा है सर? हाँ करेगा, ना फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसमें जो प्याज है वो कैसी कंडीशन में आ रहा है? ठीक आ रहा है, वो भी नॉर्मल है, ज्यादा हाई फाई भी नहीं है, ज्यादा हल्के भी। अच्छा जी। ठीक ठीक माल है। तो सर अभी जैसे अचानक से तेजी, आज मेरे हिसाब से 5 रुपए की तेजी देखने माल शॉर्टेज। बिल्कुल बिल्कुल। आमदनी कम हो गई इंदौर में, आज सुनने में आ रहा है 15-20 हजार कटी है। बिल्कुल सर। इस वजह से आमदनी एमपी में भी कट गई है, राजस्थान में माल कम पड़ गया, महाराष्ट्र में माल कम है और नई की फसल बहुत ज्यादा कम है इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के तेजी इस बात की और कोई तेजी नहीं है। बिल्कुल। इस बार कर्नाटक में भी नया प्याज की फसल बहुत कम है, नया प्याज आई नहीं थी, और इधर चला था 17 लाइन का महाराष्ट्र में, वो प्याज खत्म हो गया है, वो 15-20 दिन में प्याज खत्म हो गया। सर जो पुराना वाला 40 रुपए बिका है वो कौन सा प्याज? 40 वाली क्वालिटी मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास थोड़ा नॉर्मल था, 35 रुपए मैंने बेचा। अच्छा। है वो माल बिक के नकली हो। नए वाले की बात करें तो? नया वाला माल बिका 45 रुपए पीछे है, ये पीछे मोटे माल पड़े हैं, ऐसे माल देता हूं सर। 45 कौन सा वाला सर? अच्छा ये वाला नया प्याज है, ये 45 रुपए देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया। तो सर आगे कहाँ तक मार्केट देख रहे हैं ये? देखो मार्केट बहुत ही, जैसा रोज का बाजार होगा यादव जी उस माहौल से माल बिकता रहेगा। बिल्कुल। हम तो आड़ती लोग हैं, जैसा किसान लेके आता है व्यापारी लेके आता है, आज के माहौल से आज बेच दिया, कल क्या माहौल होगा, पांच डाउन हो गया तेज होगा, कल का माहौल से कल बेच देंगे। हनुमान अभी कोई एक जगह रुक नहीं रहे हैं, यानी
तेजी तो नहीं बता सकते पर मंदा तो नहीं होने वाला। मंदा नहीं होने, अभी 10-15 दिन नहीं है, जब तक नया प्याज अलवर का चलेगा तभी कुछ बाजार नीचे आ सकता है। क्या इस साल प्याज कम है इधर कर्नाटक में? जो नया प्याज चलता था बिल्कुल फसल कम है। बिल्कुल हाँ, वो बहुत माल कम पहुंच रहा है। पहले इधर मंडी में 20-25 गाड़ी रोज आती थी, जो अब 2-3 गाड़ी आती है वहां से। सर अलवर का भी कुछ कुछ जैसे गाड़ियां निकली हैं सर, प्याज आया है, आज श्री गणेश हो गया बता रहे हैं। हाँ भाऊ जी, अभी हमारी बात नहीं हुई है उधर, मैं अभी कच्ची रिपोर्ट नहीं दे सकता, बात होने के बाद ही बताऊंगा। तो सर वो पता नहीं 35-38 रुपए बिके होगा। अभी तो देखो वहाँ भी लोकल डिमांड में खप जाएगा ना, अभी तो इतना ही आएगा। बिल्कुल, जो आसपास की मंडी है उनमें लोकल चला जाएगा, यही भाव बिकेगा, कम नहीं बिकेगा अभी वो प्याज। तो सर अभी अगर वो तो पूरा प्रेशर आएगा, दिवाली के बाद ही भाव कम आएगा प्याज का। जो नाफेड, दिवाली तक भाव नीचे होने की संभावना कम है। बिल्कुल बिल्कुल, नाफेड का जो प्याज है हाँ, वो स्टॉक कितना है सर अभी? अब उसकी तो देखो सर, अभी हमारे को भी नॉलेज, क्योंकि अगर ये लगातार, हमें तो सुना है कि भाई नाफेड के अब स्टॉक कम है, अब तो वो मंडियों में से खरीद के लोडिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, सुनने में तो ये आ रहा है, बाकी मेरे को इसकी नॉलेज कम, क्योंकि ये भाव को कंट्रोल करे हुए है सर। हाँ भाव तो एनसीसी अब ज्यादा आ रहा है, नेपिड कम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एनसीसी अब के पास माल है, दिल्ली में भी पूरा एनसीसी अब से दिल्ली मंडी में काम चल रहा है। बिल्कुल, वैसे व्यापारियों का माल कम ही आ रहा है। और सर जैसे अभी बाहर का प्याज कुछ आ रहा है? बाहर का माल भी आया है, 1-2 गाड़ी अफगानिस्तान भी है, हमारी मंडी में भी 1 गाड़ी है अफगानिस्तान, आज भी है, परसों भी थी 1 गाड़ी। वो क्या बिका है सर? वो 35-36 रुपए बिका था सर। यानी इसी के बराबर बिक रहा है? हाँ। चलो जी सर, तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाई यही कहेंगे, अब जिसके पास माल रखा है, भाव अच्छा आया हुआ है, अपने दिवाली तक बेचते जाए, बाद में नया प्याज अलवर चली जाएगा। बिल्कुल, फिर भाव शिथिर भी हो जाएंगे, अभी अच्छा भाव मिल रहा है, अपने बेच लेंगे बढ़िया भाव से। और अलवर वालों के लिए कुछ? अलवर वालों को यही कहेंगे भाई, प्याज तुम्हारी तैयार हो जाए, जब अलवर अपने जयपुर की तरफ रुझान करे, हमारे को भी सेवा का मौका दें, खुली ऑक्शन से उनका माल बेचेंगे बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर है 98-293-77-352, दूसरा नंबर है 94-140-57-352, गुलशन ऑनियन कंपनी, A12 माना मंडी जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं जो गुलशन भाई ने जो रिपोर्ट दी है वो भी लगभग 40-45 रुपए की नए प्याज में दी है, और कहीं ना कहीं तेजी का जो पीछे माहौल बन चुका है, पीछे बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि आवके हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, इसी वजह से तेजी का माहौल बन रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है 2-4 रुपए और तेजी का माहौल देखने को मिले। तो ये था आज का ताज़ा अपडेट, अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।